वेलकम टू एड फोलियो। आज के इस लेक्चर में हम आईटीआर 3 हम यूटिलिटी के अंदर करेंगे ऑफलाइन, और हम 44 एडी एडी ए नहीं कर रहे हैं। हम ऑलरेडी पेरिफेरल डेटा इनकम टैक्स के पोर्टल से डाउनलोड कर चुके हैं, उसको इंपोर्ट करेंगे यूटिलिटी के अंदर और डेटा शेड्यूल्स में फिल करेंगे और फाइनल जेएसओन तैयार करेंगे जो कि अपलोड होती है आपके पोर्टल पर। एसएससी का नाम मुन्नी, फादर सेम रखा है, पैन नंबर, आधार नंबर, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस दिया हुआ है, मोबाइल नंबर रखा है, ईमेल और स्टेटस ROR है। रिटर्न की लास्ट डेट 31 दिसंबर जा चुकी है, हम आज फाइल करते हैं 18 फरवरी को, तो ये आफ्टर ड्यू डेट कहलाएगी। सेक्शन एप्लीकेबल होगा 139(4). इनके तीन बैंक अकाउंट हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एचडीएफसी बैंक, कर्नाटक बैंक। रिफंड चाहते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। इनकी दो हाउस प्रॉपर्टी हैं, एक सेल्फ ऑक्यूपाइड माधीपुर कॉलोनी पश्चिम बिहार में और दूसरी किराए पर रखी है जिसका किराया आता है इनको 40,000 रुपीज पर मंथ, जो आरके एसोसिएट्स को रखी है और उसने टीडीएस काटा है इनका 10%, 48,000 म्युनिसिपल टैक्स पेमेंट किया गया इस प्रॉपर्टी के लिए, 15,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोरोड इस प्रॉपर्टी को परचेज करने के लिए 2,50,000 का इंटरेस्ट जा रहा है और ईएमआई 30,000 रुपीज पर मंथ की है, तो 2,50,000 इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन है, तो रिपेमेंट ऑफ जो प्रिंसिपल जा रहा है वो जाएगा 1,10,000। इनकम फ्रॉम ट्रेडिंग बिजनेस, अकाउंट्स बुक्स मेंटेन किए जा रहे हैं एज पर सेक्शन 44AA, बुक्स का ऑडिट इनका नहीं होना। सेविंग बैंक इंटरेस्ट एसबीआई में और एचडीएफसी में टोटल 13,000 रुपीज है। एफडी जो करा रखी है एचडीएफसी बैंक में उस पर इंटरेस्ट मिला है इनको 50,000 और उस पर टैक्स कटा है 10%। पीपीए पर इंटरेस्ट 1,35,000। इक्विटी डिविडेंड मिला 1 मई 2020 को। न्यू पेंशन स्कीम में अमाउंट लगाया गया है 1,00,000 रुपया। मेडिक्लेम इंश्योरेंस प्रीमियम 28,000, मैक्सिमम लिमिट नॉन सीनियर सिटीजन है मिलेगा 25। टेनेंट ने टैक्स काटा रेंट पर 4,80,000 का 10%, 48,000। बैंक ने टैक्स काटा इंटरेस्ट पर 50,000 का 10%, 5,000। एडवांस टैक्स चुकाया गया ऑन 10 दिसंबर 2020 को 20,000। सेल्फ असेसमेंट टैक्स जितना बनेगा वो हम जमा कराएंगे 18 फरवरी 2022 को। ट्रेडिंग अकाउंट सेल्स रखा है, क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है, ओपनिंग स्टॉक परचेजेस और ग्रॉस प्रॉफिट 23,50,000। ट्रेड नेम मुनी स्टोर्स, कोड नंबर रखा है 09028। डेबिट टू पेन अकाउंट खर्चे हैं सैलरीज 9,80,000, एंटरटेनमेंट एडवर्टीजमेंट कमीशन इन इंडिया, ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस, टेलीफोन, फेस्टिवल एक्सपेंसेस, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 10,00,000 की फर्नीचर है उसका 10% के हिसाब से लेकिन 9 मंथ्स का 75,000। मिसलेनियस एक्सपेंसेस 34,800। नेट प्रॉफिट आता है 8,80,000।
5,500. बैलेंस शीट क्लोजिंग स्टॉक 24 लाख है. सन्डी डेटर्स 12,50,000. एसेट्स का ग्रॉस ब्लॉक 10 लाख. डेप्रिसिएशन 75,000. नेट अमाउंट 9,25,000. इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज 25 लाख. बैंक बैलेंस सारी मिलाकर 2,10,800. कैश बैलेंस 49,200. कैपिटल 65,45,000. सन्डी क्रेडिटर्स 7,90,000. टोटल 73,35,000. हमें अब प्रीफिल डेटा यूटिलिटी के अंदर इंपोर्ट करना है. फाइल रिटर्न्स इंपोर्ट प्रीफिल डेटा कंटिन्यू. पेन नंबर लिख दिया. असेसमेंट ईयर बाय डिफॉल्ट है. प्रोसीड अटैच फाइल. इंपोर्टेड प्रीफिल जेसन फाइल सक्सेसफुली. प्रोसीड पेन नंबर आ गया. नेम ऑफ टैक्स पेयर असेसमेंट ईयर और इंपोर्टेड डेट 18 फरवरी 2022. फाइल रिटर्न इंडिविजुअल ITR 3. प्रोसीड विद ITR 3. लेट अस गेट स्टार्टेड. टैक्स फॉर इनकम इज मोर देन बेसिक इनिशियल लिमिट. कंटिन्यू. सिलेक्ट शेड्यूल्स. हमें जो जो शेड्यूल चाहिए वो हम सिलेक्ट. जनरल में पार्ट ए इनकम में हमने इसको क्लिक किया, डिसलेक्ट कर दिया. हमें हाउस प्रॉपर्टी चाहिए, कैपिटल गेन्स नहीं चाहिए, 112A नहीं चाहिए, अदर सोर्सेस हमें चाहिए, टैक्सेबल एट स्पेशल रेट्स हम यहां से इसको नहीं हटा पा रहे हैं, एग्जम्प्ट इनकम चाहिए. हमने यहां पर चार शेड्यूल सिलेक्ट कर लिए इनकम के अंदर. बिजनेस के अंदर हमने यहां पर डिसलेक्ट कर दिया, ये बाय डिफॉल्ट मैंडेटरी है. अदर इंफॉर्मेशन फॉर बिजनेस हमें इस क्वेश्चन पे नहीं चाहिए होगा. इसमें शेड्यूल सिलेक्ट किए हमने 6. डेप्रिसिएशन हमें DPM नहीं चाहिए. हमें चाहिए डेप्रिसिएशन ऑन अदर एसेट्स क्योंकि फर्नीचर हमारे पास है और ये बाय डिफॉल्ट डिडक्शंस हमें ATD की रिक्वायरमेंट है और चैप्टर 6 से. टैक्स में पार्ट बी कंपटीशन और कंपटीशन टैक्स मैंडेटरी है. एडवांस टैक्स सेल्फ असेसमेंट का हमने सिलेक्ट कर लिया TDS. अदर्स में CYLA, BFLA, CFL, AMT, AMTC ये सब बाय डिफॉल्ट कंटिन्यू. इट में प्लीज बी नोटेड दैट शेड्यूल एंड अदर कंपोनेंट्स इन दिस फैसिलिटी ऑन इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय द टैक्स पेयर. अदर शेड्यूल्स आर नॉट अनेबल्ड फॉर द गिवन इंफॉर्मेशन. यदि हमें जरूरत पड़ती है तो हम दोबारा से फिर चूज कर सकते हैं. कंटिन्यू. वी हैव सिलेक्टेड 26 शेड्यूल्स. कंटिन्यू. आर यू ऑप्टिंग फॉर न्यू टैक्स रेटिजीम? ओल्ड नया टैक्स रिडीम करेंगे क्योंकि टैक्स लाइबिलिटी कम है और अब ड्यू डेट तो जा चुकी है, इसलिए हम चाहें तो भी ओल्ड टैक्स रेट रिजीम को ऑप्ट नहीं कर सकते. नो. कंटिन्यू. कंटिन्यू. एनी डिडक्शंस फॉर डोनेशन पेड? नो. रिसर्च का? नो. ATG? नो. ATC? यस. अमाउंट 1,10,000. हाउस बिल्डिंग का रिपेमेंट ऑफ लोन 3,60,000 का टोटल EMI जाती है. 250 का हाउसिंग लोन का इंटरेस्ट है तो अमाउंट हो गया 1,10,000. नो. ATD? यस. ATE? नो. एलिजिबल टू क्लेम एनी अदर डिडक्शंस? इसको कर देते हैं यस. ATCCD 1B 50,000. ATCCD 1 अमाउंट 50,000. ATTTA इंटरेस्ट अमाउंट दोनों बैंक्स का 13,000. कंटिन्यू. 44AD? नो. ADA? नो. 44AE? नो. 35AD? नो. कंटिन्यू. वी हैव प्रीफिल्ड योर रिटर्न बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन अवेलेबल विद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट. प्लीज कंफर्म द डिटेल्स. ओके. अब हम एक एक करके शेड्यूल को डेटा उसमें करेंगे फीट. पार्ट ए. मुन्नी नाम है, सिंगल नाम है, वो सरनेम के अंदर आ जाता है. ए नंबर है, डेट ऑफ बर्थ है, आधार नंबर है और इस डेटा को हम एडिट नहीं कर सकते. कॉन्टेक्ट एडिट. ईमेल आ गया, फोन नंबर आ गया, इंडिया आ गया,
11006 पिन कोड वेस्ट दिल्ली दिल्ली, और ये हो गया F457 एड्रेस आ गया से फाइलिंग सेक्शन, और इसमें आएगा बिलेटेड रिटर्न फाइल्ड आफ्टर टू डेट ऑप्टिंग फॉर न्यू टैक्स रेट रिजीम नो रेजिडेंट पहले वाली कंडीशन 115H नो पोर्टुगीज नो एसएससी इज लोकेटेड इन इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज नो रिप्रेजेंटेटिव एसएससी नो डायरेक्टरशिप नो फॉर्म का नो इसको आप एक बार देख लें कि क्या क्या इंफॉर्मेशन यहां पर लिखी होती है अनलिस्टेड शेयर नो से ऑडिट इंफॉर्मेशन आर लेवल टू मेंटेन अकाउंट्स एज पर सेक्शन 44AA आवर आंसर इज यस एसएससी इज डिक्लेयरिंग इनकम ओनली अंडर 44AE AD ADA एटसेट्रा करके आंसर इज नो Whether during the year total sales turnover receipts exceeds 1 crore but does not 10 crore. नहीं, हमारी 1 crore को exceed नहीं करती. Level to audit. No. Level for audit. 92A section. No. No. Level to audit under any act other than income tax act. Say 5901 Karnataka वाला added है इसमें. Add another. IFC code SBIN000623 बैंक का नाम अपने आप अपीयर हो गया अकाउंट नंबर खफंदी आई 10883987643 और इसमें ही हमें चाहिए रिफंड एट एक अकाउंट और बैंक डिटेल्स कर्नाटक बैंक में हमें रिफंड नहीं चाहिए एड अनादर HDFC 4x0327 बैंक का नाम अपने आप आ गया फंदी आई 03271 5x06835 H कंफर्म नेचर ऑफ बिजनेस एड डिटेल्स कोड है इसका 09028 ट्रेड नेम मुन्नी स्टोर्स डिस्क्रिप्शंस किराना आइटम्स एट कंफर्म बैलेंस शीट एड डिटेल्स प्रोप्राइटर्स कैपिटल 65,45,000 एट एप्लीकेशन फंड्स एड डिटेल्स हमने फिक्स एसेट्स डेप्रिसिएशन लिख दिया 75,925 अपने आप आ गया इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज अमाउंट है 25,00,000 करंट एसेट्स लोन एंड एडवांसेस करंट एसेट्स में है इन्वेंट्रीज और यह फिनिश्ड गुड्स की अमाउंट फिनिश्ड गुड्स 24,00,000 डेटर्स 12,50,000 कैश इन हैंड 49,200 बैलेंस विद बैंक्स 6,10,800 करंट लायबिलिटीज पे संडी क्रेडिटर्स का अमाउंट 7,90,000 और टोटल हो गया एप्लीकेशन फंड्स का 65,45,000 और यही सोर्सेज ऑफ फंड्स का है एड यदि कोई आइटम छूट जाए तो आप दोबारा एडिट कर सकते हैं कंफर्म ट्रेडिंग का अकाउंट एड डिटेल्स एडिट सेल ऑफ गुड्स 8,00,000 इसको कर दो डिलीट एड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फ्रेश स्टॉक 24,00,000 ओपनिंग स्टॉक 8,00,000 परचेजेस 62,50,000 ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस का 23,50,000 क्रेडिट का आ गया पिल अकाउंट 23,50,000 डेबिट एड डिटेल्स कंपनसेशन टू एम्प्लॉयज सैलरी बेसिस में 9,80,000 एंटरटेनमेंट 56,000 एडवर्टीजमेंट 75,000 कमीशन पेड इन इंडिया 62,000 कंटिन्यू और इसको करना आपने नो Any compensation included in 22-10I paid to non-resident. Continue. Traveling expenses 65,000. Conveyance telephone hai 62,700. Festival expenses 54,000. Depreciation 75,000. Other expenses miscellaneous 34,800. Save. Aur ye aa gaya 8,80,000.
5500 जो कि हमारे प्रोफिट अकाउंट में प्रॉफिट निकाला है। एट कंफर्म शेड्यूल हाउस प्रॉपर्टी एड अनदर, पहले हम सेल्फ ऑक्यूपाइड लिख रहे हैं, दिल्ली, ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी सेल्फ प्रॉपर्टी को ओन्ड नो टाइप ऑफ हाउस प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड। एट डू वॉन्ट टू एड मोर प्रॉपर्टीज, यस न्यू दिल्ली स्टेट दिल्ली इंडिया अपने आप आ गया, पिन कोड 110048 और अब द प्रॉपर्टी सेल्फ प्रॉपर्टी को ओन्ड नो और ये लेट आउट आर के एसोसिएट्स पेन नंबर AAFR23 45P 10 of 10 inch DELR00021A ग्रॉस रेंट 480,000 टैक्स पेड 15,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोरोड फॉर परचेज ऑफ दिस प्रॉपर्टी 2,50,000 और ये इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आ गया 75,500 एच कंफर्म। ये जो आप बीप में देख रहे हैं ये 885,500 प्लस डेप्रिसिएशन 75,000 उसको एड होकर यहां पर आ रहा है और ये है 885,500 और 75,000 का डेप्रिसिएशन जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से ऑटोमेटिकली यहां पर आ गया है। डेप्रिसिएशन अलाउबल अंडर इनकम टैक्स एक्ट ये आएगा हमारे डेप्रिसिएशन शेड्यूल से कंफर्म डीपीएम एंड डीओए का शेड्यूल। हमारा प्लांट मशीनरी नहीं है, हमारा फर्नीचर है। एड डिटेल्स यहां से आप इसको स्लाइड कर सकते हैं। फर्नीचर का अमाउंट 10,00,000 रुपए है और वो 9 months का डेप्रिसिएशन है। इसका मतलब ये एसेट्स 1 अप्रैल 2020 का बैलेंस इसका जीरो था। हम करेंगे एडिशंस फॉर ए पीरियड ऑफ 180 डेज और मोर इन द प्रीवियस ईयर 10,00,000 और डेप्रिसिएशन 1,00,000 अपने आप आ गया है। हमें स्क्रीन का रेजोल्यूशन थोड़ा कम करना पड़ेगा तभी आप इसको देख पाएंगे। एडिशंस फॉर ए पीरियड ऑफ 180 डेज और मोर यहां पर है डेप्रिसिएशन एट फुल रेट 1,00,000 और लास्ट डे ऑफ द प्रीवियस ईयर बैलेंस आ जाता है इसका 9,00,000। इसको हमने कर दिया एट कंफर्म शेड्यूल डीईपी में अपने आप ये अमाउंट आ जाता है कंफर्म और बीपी के शेड्यूल में हमने इसको एडिट कहा और ये 1,00,000 रुपीस यहां पर ऑटोमेटिकली आ जाता है और अमाउंट अब हो गया है 8,60,500 से कंफर्म। ये डीम्ड कैपिटल गेन को हम सिर्फ कंफर्म करेंगे। शेड्यूल अदर सोर्सेस ग्रॉस इनकम चार्जेबल टू टैक्स एट नॉर्मल एप्लीकेबल रेट्स एड डिटेल्स नेचर ऑफ इनकम इंटरेस्ट हम ले रहे हैं सेविंग बैंक का इंटरेस्ट है एचडीएफसी बैंक का और स्टेट बैंक का 13,000 एफडी का इंटरेस्ट है 50,000 एट अभी हमने डिविडेंड लिखना है डिविडेंड अमाउंट अदर देन चू वाला 2,500 एट और इसकी जो डेट है वो आपको यहां लिखनी होगी 1 May 2020 इस पीरियड में हमने इसको कर दिया कंफर्म। शेड्यूल CYLA इसको सिर्फ आपने कंफर्म करना है। शेड्यूल BFLA कंप्यूट सेट ऑफ CFL कंप्यूट सेट ऑफ शेड्यूल ATD एड डिटेल्स वेदर यू और एनी ऑफ योर फैमिली मेंबर एक्सक्लूडिंग पेरेंट्स इज ए सीनियर सिटीजन अवर आंसर इज नो और हमारा मेडिक्लेम इंश्योरेंस गया है 28,000 मिलेगा हमें 25,000 एच कन्फर्म। चैप्टर 6A डिडक्शंस अंडर सेक्शन 80C जो हमने रिपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल किया 30,000 की हमारी ईएमआई थी 2,50,000 रुपए हमारा
इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन निकल गया 1,10,000, ये वाला है। 80 सीसीडी 1 में हमने किया था 50,000 और 80 सीसीडी 1B में किया था 50,000, तो 50 का मिलेगा हमें 40, क्योंकि 110 और 40 ये 150 को एक्सीड नहीं कर सकता, और ये 80 सीसीडी 1B का 50,000 हमें सेविंग बैंक के इंटरेस्ट का और मिलना है। यू वॉन्ट टू एड मोर डिडक्शंस, और ये इसमें है पार्ट सी ए एंड डी, डिडक्शंस अंडर सेक्शन 80TTA। हमारी टोटल डिडक्शंस हो गई 2,35,000 कंफर्म। एएमटी सिर्फ आपने कंफर्म करना है, एएमटीसी कंफर्म करना है, एग्जेम्प्ट इनकम, ये हमारा पीपीएफ का इंटरेस्ट 1,35,000 जिस पर कोई टैक्स लगने वाला नहीं है। कंफर्म कंपटीशन ऑफ टोटल इनकम, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हो गया है 75,500, प्रॉफिट गेन्स का 8,60,500, अदर सोर्सेस का 65,500, टोटल हो जाता है, हम ओल्ड रिजिम की बात कर रहे हैं, 10,01,500। डिडक्शंस निकल जाती हैं 2,35,000 और हमारी टोटल इनकम टैक्सेबल 7,66,500। हमने इसको कंफर्म कर दिया। ये हमारी एक्सेल में टैक्स कैलकुलेशंस, ये हाउस प्रॉपर्टी का है, इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशंस है, सेविंग बैंक्स इंटरेस्ट है, एफडीआर है, डिविडेंड है, और टोटल हो जाता है 10,01,500। हम दोनों रिजीम्स की बात कर रहे हैं, इसमें दोनों की जीटीआई सेम और ये फ्री है पीपीएफ इंटरेस्ट। 80C में 1,10,000, 80 CCD1 के अंदर 50,000 का तो अमाउंट आया लेकिन मिलेगा 40, इन दोनों का टोटल 50,000। 80 CCD1B में 50,000, मेडिक क्लेम 25,10,080 TTA, टैक्सेबल इनकम हो गई ओल्ड रिजीम में 766,500, टैक्स निकल आया 65,800, न्यू रिजीम में ज्यादा है और हेल्थ एजुकेशन सेस के साथ ओल्ड रिजीम के अंदर अमाउंट आता है 68,432 और न्यू रिजीम में 78,312, लेकिन अब तो हम न्यू रिजीम ऑप्ट कर ही नहीं सकते, अब हम शेड्यूल क्लिक कर रहे हैं कंपटीशन ऑफ टैक्स ऑन टोटल इनकम। अब हम क्लिक कर रहे हैं शेड्यूल ऑफ टैक्स पेड, जिसमें करेंगे टीडीएस का और पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स या सेल्फ असेसमेंट टैक्स। यहां पर किसी एम्प्लॉयर ने टैक्स नहीं काटा, हमने इसको क्लिक किया एड डिटेल्स सेल्फ, बैंक ने टैक्स हमारा काटा है 50,000 के एफडीआर पर 5,000, 10 पर लिख दिया टीडीएस ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, यहां आपको लिखना होगा 5,000 टीडीएस क्रेडिट बीइंग क्लेम्ड 5,000, कॉरस्पॉन्डिंग रिसीव्स 50,000 और हेड्स ऑफ इनकम इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस एड, इसको एक बार फिर क्लिक किया एड अनदर सेल्फ, आर के एसोसिएट्स ने हमारा टीडीएस काटा है रेंटल इनकम पर 4,80,000 की, जो उसने रेंट दिया उसका 10%, 48,000 क्लेम, 48,000 कॉरस्पॉन्डिंग रिसीप्ट 4,80,000, हेड्स ऑफ इनकम इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी एड, एडवांस टैक्स और टैक्स सेल्फ असेसमेंट टैक्स, एड डिटेल्स बीएसआर कोड लिख दिया, चलान सीरियल नंबर 000, अमाउंट 10,000, डेट 10th December 2020, कैलेंडर से हम चूज कर रहे हैं डेट्स को,
एक्ट कंफर्म कंपटीशन ऑफ टैक्स ऑन सोशल इनकम 68,436। ये हेल्थ एजुकेशन सेस के साथ और इंटरेस्ट एंड फीस बनती है 108-234A सेक्शन 594-234B का और सी का 375 लेट फीस 5,000 एग्रीगेट लायबिलिटी हो जाती है 74,509। हमारी एक्सेल की कैलकुलेशंस भी अमाउंट कैलकुलेट करती है 1,077 एज इंटरेस्ट और 5,000 लेट फीस। टोटल टैक्स इंटरेस्ट लेट फीस हो गया अमाउंट 74,509। एडवांस टैक्स पे किया गया 10,000, 5,000 एचडीएफसी बैंक ने काटा, 48 टेनेंट ने काटा, हमें अभी 11,509 रुपीज पे करने हैं। हम पे कर देते हैं 11,510 और ये 234C की इंटरेस्ट की कैलकुलेशंस। टोटल सक्स बनता है 68,432,53,000 टीडीएस है 15,432। इसका 12% इसका 15% आपको पे करना था बाय 15th जून, 45% पे करना था बाय 15th सितंबर और 15th दिसंबर तक 75% और बाय 15th मार्च 100%। आपका शॉर्टफॉल रहा, राउंड डाउन किया शॉर्टफॉल हुआ 2300 और इंटरेस्ट 3 महीने का। यहां पर राउंड डाउन हुआ 6900 3 महीने का इंटरेस्ट 11,574। राउंड डाउन हुआ 11,500। 10,000 10 दिसंबर को जमा करा दिया गया, शॉर्टफॉल 1,500 रुपए का, उसका 3 महीने का 45 रुपीज। लास्ट में 15,432 राउंड डाउन 15,400 5,400 का शॉर्टफॉल, 1 महीने का 54 रुपीज। तो 234C का इंटरेस्ट हो गया 375। 234B का इंटरेस्ट 68,432 टोटल टैक्स बना, टीडीएस 15,432 इसका 90% अमाउंट बनता है 13,889 लेकिन पेमेंट हुआ एडवांस टैक्स 10,000 शॉर्टफॉल रहा 5,432 राउंड डाउन हो गया 5,400 54 रुपीज का इंटरेस्ट पर मंथ का अप टू फरवरी 22 जब ये वीडियो लेक्चर तैयार हो रहा है तो महीना है फरवरी का 594 का इंटरेस्ट 68,432 टोटल टैक्स लायबिलिटी 53 TDS 10,000 एडवांस अमाउंट रह गया 5,432 ड्यू डेट 31 दिसंबर 2021 थी जनवरी का 1% 54 फरवरी का 1% 54 108 प्लस 594 प्लस 375 ये टोटल इंटरेस्ट हो गया 1,077। नॉट लायबल टू टैक्स आउट वाले केस में नॉर्मली ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग होती है 31 जुलाई लेकिन इस बार कोरोना काल की वजह से थी हमारी 31 दिसंबर 2021। और यदि टैक्स लायबिलिटी 1,00,000 से ज्यादा होती तो सिनेरियो डिफरेंट होता। अमाउंट पेबल ये दिखा रहा है यहां पर 11,510। हम इसका पहले पेमेंट कर देते हैं और पेमेंट करने के बाद हम उसमें शेड्यूल में लिखेंगे टैक्स पेड। यू वांट टू ऐड मोर टैक्स ऐड अनदर बीएसआर कोड चलान सीरियल नंबर अमाउंट 11,510 और डेट 18th फरवरी एट कंफर्म पार्ट बी टीटीआई। एक बार फिर हम देखते हैं 108-234A का इंटरेस्ट हम यहां पर कैलकुलेशन सेट नहीं कर पा रहे हैं। आईटीआर 1 के अंदर आपको इंटरेस्ट की कैलकुलेशन डिटेल्स मिलती हैं लेकिन बाकियों में नहीं मिलती। ये 11 मंथ का है और ये 234C 375 और अब हमारा अमाउंट पेबल 0 रिफंड 0 और इसको करना है हमने नो प्रीव्यू रिटर्न या प्लेस
न्यू दिल्ली, इसको हमने क्लिक कर दिया, ये नाम अपने आप अपीयर हुआ और ये नाम भी अपने आप आया है। यह हमने सेल्फ कर दिया और ये पेन नंबर अपने आप आया है। प्रोसीड टू प्रीव्यू, इसको आप छोटा करना चाहें तो यहां से आप फॉन्ट थोड़ा छोटा कर सकते हैं। जनरल आप दूसरा कोई टूल देखना चाहें तो यहां से देख सकते हैं अदर सोर्सेस का। यदि आपको 6A का देखना है, 6A का 80C, 80CCD1, 80CCD1B और 80D, TTA, पार्ट CA एंड D के अंदर, एग्जेम्प्ट इनकम PPF का इंटरेस्ट 135, मेडिकल क्लेम 25, पे हमने जरूर 28 किया था। यहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और ये फाइल का नाम आता है ITR3_preview। आप इसको ओपन करें और ये नेम, लास्ट नेम आया है मुन्नी, एड्रेस लिखा हुआ है, डेट ऑफ बर्थ है, फोन नंबर है, ईमेल है। और यदि आपने इसमें कुछ सर्च करना है तो आप यहां से जाके सर्च कर सकते हैं। फाइंड, हमें सर्च करना है अमाउंट 1,35,000 जो पीपीएफ का इंटरेस्ट है। नेक्स्ट, और ये 135 यहां पर आ गया। कॉमा लगाना जरूरी है। इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन का पेमेंट किया गया 2,50,000, 2,50,000। इसको करेंगे आप फिर प्रीवियस, और ये अमाउंट हमने किया प्रोसीड टू वैलिडेशन, और ये वैलिडेशन हमारी सक्सेसफुल हो गई है। यहां से हम प्रोसीड टू वेरिफिकेशन करेंगे तो हम इनकम टैक्स की वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे, टू अपलोड दिस JSON, डाउनलोड JSON, और ये फाइल आ गई JSON जो कि अपलोड की जा सकती है। पेन नंबर लिखा हुआ है अपलोड 2021-22 और डेट लिखी है जिस दिन आप JSON तैयार कर रहे हैं, 19th फरवरी 2022, टाइम भी आए हुए 3:16। हमने इसको ओपन किया और ये JSON फाइल, इसमें भी आप सर्च करना चाहें तो कर सकते हैं। आपने किया फाइंड, लेकिन यहां कॉमा आपको लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 135 जो पीपीएफ का इंटरेस्ट है, डाउन में हमें देखना होगा और ये अमाउंट आप उसको क्लिक करेंगे जितनी बार भी होगा। आप देखना चाहते हैं 2,50,000, यहां कॉमा नहीं लगाएंगे आप, और हमें देखना होगा ऊपर फाइंड, और ये अमाउंट आ गया